इसमें एक सबसे बड़ा फीचर, सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को एक और लगता है इसमें, कि हम इसको 12 वोल्ट की कार बैटरी के साथ भी हम इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाय एवरीवन, मैं आपका अपना अभिनव फ्रॉम कर्नल शार्प शूटर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गैमो कंपनी का पीसीपी एयर कंप्रेसर। आए हम इसको थोड़ा पास से देखते हैं। मैंने आज तक बहुत ही एयर कंप्रेसर बेचे हैं और रिव्यूज़ किए हैं, उसमें से मेरे को ये वाला जो कंप्रेसर है वो सबसे बेस्ट लगा है। बेस्ट इसलिए लगा है क्योंकि इसमें जो मेन फीचर आता है ऑटो कट का फीचर जो इसमें दिया गया है, तो इसमें जो है अगर आपको 200 बार तक 250 बार तक अगर आपको एयर फिल करनी है अपनी एयर राइफल में, तो आप इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली उतना ही गेज के साथ, इस ये आपको गेज दी गई है, इसको आप सेट कर दोगे और जब वो नीचे वाली गेज है जब वो उतना एयर फिल कर देगी वो उसी टाइम ऑटो कट हो जाएगा, जो हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपको इसके साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज मिलती हैं, वो हम जरा पास में दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको एक बुक मैनुअल मिलता है, बुकलेट बोलते हैं इसको, जो है इसमें हर एक चीज़ के बारे में पूरा ब्रीफ किया गया है अच्छे से, कि आपको इसको अगर आपके कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कैसे सॉर्ट करोगे, या फिर इसको चलाने की वर्किंग क्या है, ठीक है, इसको ऑयलिंग कैसे करना है, ठीक है, इसको कैसे आप अच्छे से जो है आप इसको जो रख सकते हो कैसे रखना है और कौन से इन्वायरमेंट में रखना है, इसको इसमें सब कुछ दिखाया गया है। उसके बाद आपको एक एडोप्टर मिल जाता है, ये प्लग इन एडोप्टर होता है। उसके बाद आपको कुछ एलन कीज मिल जाती हैं, ओरिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है, और कुछ इसके जो है और थोड़ी आइटम्स मिल जाती हैं। एंड उसके साथ ही आपको एडोप्टर दिया गया है जिससे आप इसको प्लग इन करके चला सकते हो। इसमें एक सबसे बड़ा फीचर, सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को एक और लगता है इसमें, कि हम इसको 12 वोल्ट की कार बैटरी के साथ भी हम इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमको यहाँ पे जो मैकेनिज्म बना के दिया गया है जिसके साथ हम इसको जो है अपनी कार की बैटरी के साथ भी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर किसी और वीडियो में हम आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलो आए हम आप इसको टेस्ट करके दिखाते हैं, कि ये मेरे पास राइफल पड़ी हुई है जो इंडियन मेड ही है, बीम इसको हम बोलते हैं, तो इसमें अब हम एयर फिल करके दिखाएंगे इस कंप्रेसर की हेल्प से। ठीक है, और देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। और एक चीज़ आपको इस कंप्रेसर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि मैक्सिमम कंप्रेसर्स में नहीं होती है, उस वजह से जो जो एयर राइफल्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसमें जो है यहाँ पे एक जो है पाइप दी गई है, जो मॉइस्चर पाइप जिसको हम बोलते हैं, कि ये एयर में जितना भी जब हम एयर कंप्रेस करते हैं तो एयर में जो होता है मॉइस्चर होता है, तो इस जो कंप्रेसर का जो है ये उसको कंप्रेस करता है और जो मॉइस्चर है उसको निकाल देता है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया है इस कंप्रेसर में, जो है इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी लुब्रिकेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये 0% आपका इसको मेंटेनेंस लगेगी, इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई किसी प्रकार का कोई लुब्रिकेंट यूज़ नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको बस एक बार इसको बाय करना है एंड आपका जो है पूरा काम हो गया, ये लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं हम इसमें जो लाइव इसमें जो एयर भर के देखते हैं इस राइफल में, राइफल में तो यहाँ पे इसकी प्रोब है, यहाँ पे इसकी प्रोब दी गई है, इसको यूज़ करना बेसिकली बहुत इजी है, एक छोटा बच्चा भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है। इसको हम नीचे को खींचेंगे और ये जो है इसको सेफ्टी बॉल को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम इसमें जब एयर राइफल, इसको थोड़ा हटा लेते हैं सामान को, जब हम इसमें प्रोब लगाएंगे अगेन इसको पीछे खींचेंगे और बस लगा देंगे और ये हमारा जो है लग चुका है अब सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें हम एयर देख लेंगे कितनी है, अभी 100 बार से थोड़ी सी कम इसमें जो है एयर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, हमको इसको 200 बार तक भरना है, तो हम इसको जो है 200 बार पे अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी गेज है
इसको हम 200 बार पे रख रहे हैं और अभी हम देखेंगे कि हमें 100 बार से 200 बार तक भरने में कितना टाइम लगेगा। चलें अब हम अपने जो प्लग को ऑन करते हैं, ठीक है, हमने प्लग को ऑन कर दिया, ठीक है। अभी बिल्कुल हल्की सी आवाज, किसी भी एयर कंप्रेसर में, इतने सारे मैंने एयर कंप्रेसर देखे हैं, ठीक है, उसमें मैंने इतनी कम आवाज़ किसी भी एयर कंप्रेसर में नहीं देखी। हमने जो ब्लीड वॉल्व है इसको हमने जो है पहले खोल दिया ताकि जो एयर स्टक ना हो, फिर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अभी जो है हम यहाँ से जो है स्टार्ट का ऑफ बटन दबा, ये जो है ऑफ का बटन है, ये स्टार्ट का बटन है, हम स्टार्ट का बटन दबा देंगे। बट उससे पहले हमें इसको जो है एसी पे करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ये अभी न्यूट्रल में है। अगर मेरे को कार की बैटरी के साथ इसको यूज़ करना है तो मैं डीसी 12 वोल्ट पे रखूँगा, ठीक है। अगर मेरे को इसको डायरेक्ट जो है यूज़ करना है तो मैं इसको एसी पे रखूँगा, ठीक है। ये जो है अभी ऑन हो चुका है, ये ऑफ पे जो आप देख रहे होगे बहुत प्यारी सी जो इसमें जो लाइट लगी हुई है वो अभी ग्लो कर रही है। जब मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, बहुत ईजी जो इसको यूज़ करना है। और अभी हम देखेंगे इसमें एयर भर रही है, तो देखिए अब जो हमारी एयर है 200 बार तक पहुंचने वाली है, ठीक है। ये हमने गेज सेट कर दी थी यहाँ पे 200 बार पे, थोड़ा कमी है एंड ठीक है। अभी ये जब भी छोटी वाली गेज जो है इस पर पहुँचेगी तो ये ऑटो कट हो जाएगा। ये टाइमिंग हमारा जो है चल रहा है साथ में, ठीक है। ये टाइम हम देख रहे हैं कि अभी 3 मिनट ही हुए हैं तो बस ये ऑटो कट होने वाला है। ये देखिए, ये जब भी अपना 200 बार पे आ गया है, हम यहाँ पे भी देखेंगे, जब भी ये 200 बार पे आ गया है तभी ऑटो कट हो गया है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। और मॉइस्चर की बात की जाए तो थोड़ा सा जो मॉइस्चर भी है इसने रिलीज़ किया है, ये ऑटो कट हो गया है, आपके सामने ही है, ये ऑटो कट है। अभी पावर ऑफ पे आ गया है, हम इसको सिंपली ऑफ कर देंगे और जो इसकी ब्लीड वेव है इसको हम जो है लूज़ कर देंगे। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें भी मोटिवेट करें कि ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।